बता रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सूची बता रहे थे कि कौन कौन बरी हुआ है। जगन्नाथ मिश्रा बरी कर दिए गए, अधिकारी एसी चौधरी बरी कर दिए गए, समर्थकों में एक आशा की किरण जागी थी, लेकिन वो आशा की किरण तुरंत धूमिल हो गई, क्योंकि कोर्ट रूम से बाहर एक खबर आती है, लालू प्रसाद यादव 64A/96 केस में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। विवेक, छह लोग बरी हुए हैं, जो जानकारी यहाँ पर मेरे पास आ रही है, छह लोग बरी हुए हैं। लालू यादव के बारे में जो जानकारी अभी आई है, हालांकि थोड़ा और इंतजार करना सही होगा कि आखिर फैसला क्या आया है, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो लालू यादव अगर दोषी है तो लालू यादव, देखिए अभी अपडेट करते हैं, लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है और तीन जनवरी 2018 को सजा का ऐलान होगा। सजा सुरक्षित रख ली गई है, सजा के फैसले पर, फैसले को सुरक्षित कर दिया गया है सजा के मसले पर, लेकिन दोषी करार दिया गया है। 3 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा लालू प्रसाद यादव पर। विवेक, देखिए अब नया साल जाए 2018, एक नया साल है, जैसा कि आप जाने नए साल में लालू यादव के लिए एक बड़ा झटका, नया बड़ा झटका है लालू यादव के लिए। लेकिन शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कोर्ट परिसर से। शैलेंद्र, क्या हुआ चारा घोटाले मामले में, जो भी अपडेट है इस वक्त आप रखिए, क्योंकि इस वक्त अफवाहों का बाजार भी गर्म है। अब तक छह आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, इस मामले से बरी कर दिया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम जगन्नाथ मिश्रा के सीएम बिहार का है। इसके अलावा जो महिलाओं को बरी किया गया है, साथ ही साथ उस समय जो टैक्स कमिश्नर थे उनको बरी किया गया है, जो चौधरी नाम है उनका। इसके अलावा और लालू प्रसाद यादव के बारे में बताइए, शैलेंद्र लालू प्रसाद यादव के बारे में बताइए। लालू समेत 16 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। जो सबसे बड़ी खबर आई है हमारे पास उस मामले में, जो लालू यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया गया है। चलिए विवेक, 16 लोगों को, लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया गया है, ये आधिकारिक जानकारी है, कशिश न्यूज आपको बता रहा है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। 22 लोगों में 16 लोग दोषी करार दिए गए हैं। 3 तारीख को यानी कि नए साल में लालू यादव को सजा सुना दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया होगा, क्योंकि जिस तरह से 7 समेत 7 लोगों को रिहा किया गया और लालू यादव समेत बाकी लोगों को दोषी करार दिया गया और इनको 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। हाँ, आज वो कस्टडी में चले जाएंगे, सजा 3 को। तो देखिए कोर्ट परिसर से वकील की बाइट हमने सुनवाई है, अभी जो कोर्ट रूम से तुरंत बाहर आए हैं और सबसे पहले हमने अपने टीवी स्क्रीन पर इस बाइट को रखा है, इस बयान को रखा है, उन्होंने साफ कहा है कि 7 लोगों को बरी किया गया, यह वकील के माध्यम से हम बता रहे हैं, 7 लोगों को बरी किया गया है, लालू यादव समेत 15 को दोषी करार दिया गया है और सजा का ऐलान 3 जनवरी 2018 को होगा। विवेक, निश्चित तौर पर देखिए बड़ा झटका लालू यादव के लिए नए साल में 2018 में। लालू यादव, जाहिर से बात है कि लालू यादव जैसे ही दोषी करार दिए गए उनको कस्टडी में ले लिया गया, उनको कितनी सजा मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 3 तारीख को। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लालू यादव को सजा सुनाते ही कस्टडी में ले लिया गया है और तमाम आरोपियों को अब बिरसा मुंडा जेल, रांची के होटवार इलाके में ये जेल है, वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पर लालू यादव पहले भी जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर रांची से निकल रही है, लालू यादव एक बार फिर दोषी करार दिए गए हैं चारा घोटाला में और उनको अब सजा 3 तारीख को सुनाई जाएगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा थोड़ी देर में।
जो प्रोसीडिंग होती है, मेडिकल कराया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं जेल भेजने से पहले वो सब कराई जाएंगी लालू यादव समेत जो तमाम आरोपी है जिनको दोषी करार दिया गया। और उसके बाद जो 3 तारीख का इंतजार करना होगा कि लालू यादव को अदालत कितनी सजा सुनाती है, ये भी इंतजार करना होगा कि बाकी आरोपियों पे को पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको क्यों छोड़ा गया, किस बिना पर, और लालू यादव पर क्या सबूत सीबीआई देने